हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीमेंट के स्टोरेज से रिलेटेड बहुत सारे टर्म जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ड्यूरेशन क्या है, जैसे कितना टाइम के लिए सीमेंट को रखना चाहिए जिससे कितना स्ट्रेंथ उस सीमेंट में रह जाएगा ये। फिर प्लेस ऑफ स्टोरेज की, कैसा प्लेस पे हम लोग उसको रख रहे हैं, कहाँ है रखने का जगह। फिर अरेंजमेंट किस तरह से अरेंज करके रखा गया है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट की, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट क्या है उसको देखना है हम लोग को इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सीमेंट के स्टोरेज से पहले हम लोग को बहुत सारे प्रिकॉशंस को ध्यान करना रहता है। वही अभी मैंने जो बताया, जैसे ड्यूरेशन बताया, प्लेस ऑफ स्टोरेज बताया, अरेंजमेंट बताया, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट बताया। क्योंकि फ्रेंड्स, जो सीमेंट होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का? मतलब कि सीमेंट बहुत ही जल्दी, बहुत रिपीडली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके कारण हमारा जो सीमेंट है उसका, अगर हम लोग यूज़ करते हैं कंक्रीट बनाने में या प्लास्टर करने में या ब्रिक के ऊपर ले करने में, तो उससे क्या होता है, हमारा सीमेंट में तो मॉइस्चर चल गया, तो मॉइस्चर चल जाने के कारण उसका स्ट्रेंथ कम जाता है। तो फ्रेंड्स, अब सीमेंट में तो मॉइस्चर चला गया है, तो सीमेंट में मॉइस्चर जाने के कारण सीमेंट इतना हार्ड हो जाता है कि वो स्टोन की तरफ बिहेव कर सकता है। मतलब आप उसको ऐसा समझो कि वो स्टोन है, तो हम लोग के कंस्ट्रक्शन में वो यूज़ नहीं हो पाता है और वो वेस्ट हो जाता है और हमारा हमारे पैसे का भी लॉस होता है। तो इसलिए कभी भी सीमेंट का जो स्टोरेज है वो हमें प्रॉपर केयर के साथ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब देखिए प्रिकॉशंस फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सीमेंट। तो हम लोग को इन सब, जो यहाँ पे जो 5 पॉइंट दिया हुआ है, इन सब पॉइंट के बारे में जानेंगे और इन्हीं से हमें पता चलेगा कि हम लोग को किस तरह से प्रिकॉशन करना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है? एटमोस्फेयरिक मॉइस्चर कंटेंट। सेकेंड क्या है? ड्यूरेशन ऑफ सीमेंट स्टोरेज। फिर प्लेस ऑफ स्टोरेज, अरेंजिंग सीमेंट बैग्स और विड्रॉवल ऑफ सीमेंट बैग्स। इन सब को हम लोग डिटेल में देखते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्या है? एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट और डैम्पनेस इज द मेन हजार्ड फॉर द सीमेंट। द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज एनफ फॉर द सीमेंट टू बिकम यूजलेस मटेरियल। द सीमेंट शुड बी स्टोर्ड इन सच अ वे दैट इट कैन नॉट एक्सपोज टू द एटमोसफेयर, सो एयर टाइट बैग्स आर यूज टू पैक द सीमेंट। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉइस्चर कंटेंट है या डैम्पनेस जो है वो हमारे सीमेंट के लिए सबसे हैजार्डस चीज़ है, सबसे ख़तरनाक चीज़ है। तो जो हम, और यहाँ पे ये भी आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है और वो अगर हमारा सीमेंट का कोई बैग है उसे हम ऐसे ही खुला रख दें, तो क्या होगा, सीमेंट जो है मॉइस्चर के साथ मिल जाएगा, उससे क्या होगा कि वो हार्ड हो जाएगा और फिर हम उसे यूजलेस मटेरियल कह सकते हैं। तो हम लोग को तो चाहिए कि यूज़ कर सके मटेरियल ना, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने के लिए, और फिर ये ख़राब भी हो जाएगा तो इसका यूज़ करके क्या फ़ायदा। तो फिर और ये भी है कि इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सीमेंट का जो बैग है उसे पूरी तरह से एयर टाइट बैग, देखिए, सो एयर टाइट बैग्स आर यूज टू पैक द सीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज। तो टाइम ऑफ स्टोरिंग इज ऑल्सो ए फैक्टर दैट अफेक्ट्स द सीमेंट, स्पेशली इट्स स्ट्रेंथ। Longer the time reduces the strength of cement. It is preferred that the cement should not be stored for more than 3 months. However, if it is stored more than 3 months, the storage of cement should be tested before using it. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज है वो भी सीमेंट के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। जैसे अगर आप सीमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। आप स्टोर तो कर लोगे लेकिन उसका स्ट्रेंथ खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बहुत रिड्यूस हो जाएगा उसका स्ट्रेंथ। तो इससे क्या होगा कि आप अपने कंस्ट्रक्शन में उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ऐसे फ्रेंड्स, प्रीफर किया जाता है कि सीमेंट को 3 मंथ के अंदर ही यूज़ कर लिया जाए। मतलब जब आप स्टोर किए उसके 3 मंथ के अंदर आप उसको यूज़ कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद माना गया है कि उसका स्ट्रेंथ कम जाता है। और अगर आपको यूज़ करना है उसको, तो आप पहले 3 मंथ के बाद अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको पहले आप चेक कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? थर्ड पॉइंट, प्लेस ऑफ सीमेंट स्टोरेज। द बैग्स ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी स्टोर्ड इन ओपन प्लेसेज, प्रिफरेबली स्पेशली डिजाइंड स्टोरेज शेड्स आर गुड फॉर सीमेंट स्टोरेज, दे कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? जो सीमेंट का बैग है उसको ओपन प्लेस में नहीं रखना चाहिए। हम लोग को क्या करना चाहिए, स्पेशली डिज़ाइन स्टोरेज शेड को वहाँ पे बनाना चाहिए जहाँ पे हम लोग को स्टोरेज करना है सीमेंट का, और दे कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स।
हम लोग को स्टोरेज सेट ऐसा बनाना चाहिए जिसका हम लोग बहुत समय तक यूज़ कर सकें। अब फ्रेंड्स, जो स्पेशली डिज़ाइन जो स्टोरेज सेट है उसका बनाने का पर्पस यही है कि हम लोग वाटर प्रूफ फ्लोर बनाएं। मतलब स्पेशल डिज़ाइन करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऐसा डिज़ाइन करें कि पूरा जो फ्लोर हो वाटर प्रूफ हो, जो छत हो रूफ हो वो वाटर प्रूफ हो, या दीवार जो हो वो भी वाटर प्रूफ हो, ताकि हम लोग का अंदर मॉइस्चर आने का खतरा कम रहे। और फिर क्या करना चाहिए, वहाँ जो हम लोग शेड बनाने वाले हैं उसका ग्राउंड लेवल से हल्का ऊंचा होना चाहिए ताकि पानी का मॉइस्चर का आने का खतरा कम रहे। और फ्रेंड्स, हम लोग जो स्टोरेज शेड बनाएंगे उसका जो खिड़की होगा वो छोटा छोटा खिड़की वहाँ पे बनाते हैं, बस कभी कभी एयर सर्कुलेशन के लिए, और एयर टाइट डोर होना चाहिए। और फिर वहाँ पे जो शेड है स्टोरेज शेड, वहाँ पे क्या करना चाहिए, हम लोग को प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करना चाहिए ताकि अगर जैसे अंदर लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं कभी, तो वहाँ पे अगर कुछ पानी वगैरह का यूज़ किए तो उस पानी को निकलने के लिए ही प्रॉपर जगह होना चाहिए। अब जो डिज़ाइन करते हैं फ्रेंड्स स्टोरेज शेड का, वो ऐसे करते हैं कि देखिए, एक बैग जो सीमेंट होता है वो 50 किलोग्राम्स का होता है, और 20 बैग ऑफ सीमेंट क्या करता है, 1 क्यूबिक मीटर में मतलब स्टोर हो सकता है। तो इसी तरह से हम लोग को डिज़ाइन करना चाहिए स्टोरेज शेड का। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, अरेंजमेंट ऑफ सीमेंट बैग्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम लोग सीमेंट बैग्स को अरेंज करें। तो अब एक पॉइंट है इसमें, ए वुडन प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट 150 to 200 mm इज प्रिपेयर्ड एबव द फ्लोर ऑफ अ स्टोरेज शेड टू एवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्लोर्स एंड सीमेंट बैग्स। तो एक वुडन प्लेटफॉर्म ऐसा बनाते हैं, जो वहाँ पे स्टोरेज शेड है वहाँ पे एक ऐसा वुडन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो कि जिसका हाइट हो 150 से 200 mm, ताकि क्या हो सके, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ज़मीन से और सीमेंट बैग से ना हो सके। इससे क्या हुआ कि मॉइस्चर जाने का खतरा कम रहेगा फ्रेंड्स। अब इसी में आगे कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, देखिए उसे भी देख लेते हैं। ऑन द प्रिपेयर्ड वुडन प्लेटफॉर्म द सीमेंट बैग शुड बी अरेंज्ड वन एबव द अदर विच फॉर्म्स ए स्टैक ऑफ सीमेंट बैग्स। इच स्टैक शुड नॉट कंसिस्ट नॉट मोर देन 10 बैग्स ऑफ सीमेंट। द स्टैक शुड नॉट टच द वॉल्स ऑफ शेड एंड इट शुड नॉट कंसिडरेबली 300 mm अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल वॉल्स। इच स्टैक शुड बी क्लोजली कनेक्टेड टू अवॉइड द सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो हम लोग वुडन प्लेटफॉर्म बनाए वहाँ पे क्या करेंगे, सीमेंट बैग्स को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और वन एबव दी अदर विच फॉर्म्स स्टैक ऑफ सीमेंट बैग्स। वो क्या कर लेगा, स्टैक बना लेगा, सीमेंट बैग्स का स्टैक उसे कर देंगे। ईच स्टैक शुड नॉट कंसिस्ट नॉट मोर देन 10 बैग्स ऑफ सीमेंट। हर स्टैक, जो भी एक एक स्टैक, हर ढेर सारा स्टैक होगा उसमें एक स्टैक अगर का बात करें तो उसमें 10 बैग ऑफ सीमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी है फ्रेंड कि जो वाल्स होते हैं वहाँ वाल्स को सीमेंट बैग्स वहाँ पर टच नहीं होना चाहिए। और ये रिकमेंडेड है कि 300 mm जो वाल है एक्सटर्नल वाल, उससे दूर रहना चाहिए। इच स्टैक शुड बी क्लोजली कनेक्टेड टू अवॉइड द सर्कुलेशन ऑफ एयर। और स्टैक को इस तरह से हम लोग तैयार करते हैं कि अंदर कोई भी एयर जाने का संभावना नहीं हो, सर्कुलेशन ऑफ एयर पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, विदड्रॉवल ऑफ सीमेंट बैग्स। व्हेन द टाइम ऑफ यूजिंग अराइव्स, विदड्रॉवल ऑफ सीमेंट बैग्स फ्रॉम स्टैक्स हैपेंस। द सीमेंट बैग शुड बी टेकन आउट इन सच अ वे दैट द बैग फर्स्ट प्लेस इन स्टोरेज शेड शुड बी विड्रॉवल फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट को स्टोर कर लेते हैं। सीमेंट को स्टोर करने के बाद जब हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस समय हम लोग को सीमेंट का यूज़ करना होता है। तो जब सीमेंट का यूज़ करना होता है तो हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि जो सीमेंट का बैग सबसे पहले रखा गया था स्टोरेज के समय, उसको सबसे पहले यूज़ किया जाए। फ्रेंड्स, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 4 तारीख को कोई बैग रखा गया, सबसे फर्स्ट बैग 4 तारीख को रखा गया, तो आज है मान लीजिए 24 तारीख और आज हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला, तो जो सबसे पहला बैग 4 तारीख को रखा गया था उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।